नमस्कारम सद्गुरु। हमारे शास्त्रों में और मंदिरों की मूर्ति कला में भी कई तरह के जीव जैसे गणों और यक्षों को दर्शाया गया है। क्या ये वही जीव हैं जो मानसरोवर में आते हैं? सिर्फ दो संस्कृतियां हैं जिन्होंने इसका कुछ हद तक उल्लेख किया है। भारतीय संस्कृति में ये बड़े रूप में मौजूद हैं। और यूनानी संस्कृति में भी इसे कुछ हद तक दर्शाया गया है। तो इनकी प्रकृति, जब हम कहते हैं कोई परायामी जीव, तो सिर्फ इन्हीं दो संस्कृतियों ने इनके रूपों की स्पष्ट व्याख्या की है। तो यहां हमारे पास यक्ष हैं, गंधर्व, गण, किन्नर, अप्सराएं, कृतिकाएं और इस तरह के कई और। मुझे लगता है हमने इन परायामी प्राणियों को अच्छी तरह पहचान रखा है, कम से कम 11-12 तरह के। यूनानियों के पास भी ऐसी ही संख्या है, शायद अगर इतने नहीं भी तो कुछ कम होंगे, पर उन्होंने भी इनकी पहचान की है। मुझे लगता है कि एकमात्र जगह, मैं कभी वहां गया नहीं हूं, पर लोग मुझे बताते हैं कि इस तरह का सबसे अच्छा पुस्तकालय अड्यार चेन्नई में है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुस्तकालय में एक विशाल संग्रह है तंत्र संबंधी किताबों का, जो इन सभी पहलुओं के बारे में है। इन पहलुओं की खोज आध्यात्मिक प्रक्रिया के मुकाबले तंत्र में ज्यादा होती है, क्योंकि वो हमेशा खोजते रहते हैं कि कैसे किसी ऐसे तत्व का इस्तेमाल किया जाए जिसके पास उनका काम करने के लिए जरूरी शक्ति, बुद्धि और पहुंच हो। वो हमेशा खोजते रहते हैं कि कैसे किसी चीज को गुलाम बनाकर उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इन पहलुओं की खोज आध्यात्मिक प्रक्रिया के मुकाबले तंत्र में कहीं ज्यादा होती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया में मुझे लगता है गौतम बुद्ध ने खुद इन चीजों की काफी चर्चा की है कि कैसे उनकी साधना के दौरान उनका सामना तरह तरह के जीवों से हुआ, जो कि उनके साथ होता ही है जब कोई कुछ खास पहलुओं में प्रवेश करता है, खास तौर से जब हम एक और जगह पर, काफी चीजें हुई हैं पर खास तौर से जब हम ध्यान लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहे थे, तो इस तरह के जीवों का वहां रोज आना होता था, हर तरह के। मैं उन्हें श्रेणियों में बांटकर उनको नाम नहीं दे सकता कि ये था, ये वो था, लेकिन वो साफ तौर पर अलग अलग थे, इतना तय है, इसमें दो राय नहीं है। एकदम साफ तौर से अलग, उनकी ऊर्जा, उनका रूप, उनका सब कुछ, ये सब वहां थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर एक और जगह पर मैंने इनमें से कुछ पर ध्यान दिया है, लेकिन ये कई तरह से बेकार है, क्योंकि इनमें से कोई भी, कम से कम जो मुझे मिले, कोई भी मेरे लिए कोई आध्यात्मिक महत्व तो नहीं रखता। तो अगर मैंने उन पर थोड़ा ध्यान दिया भी, तो जैसे ही मुझे ये आभास हुआ कि यहां कुछ नहीं है, तो मैंने उन चीजों से अपना ध्यान हटा लिया, क्योंकि इनका कभी भी कोई आध्यात्मिक महत्व तो नहीं था। उनका सिर्फ अस्तित्व में महत्व है। अगर आप अस्तित्व को खोजना चाहते हैं तो हाँ, लेकिन अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बस एक दूसरे रूप में है और आपके जितने ही अनजान हैं। शायद कुछ अलग तरह की क्षमताओं वाले जो आपको अविश्वसनीय लगेंगी, पर मुझे यकीन है कि आपकी क्षमताएं उनको अचंभित करती होंगी, नहीं तो वो नहीं आते, है ना? जैसे वो आपको असाधारण लगते हैं, आप भी उन्हें असाधारण लगते होंगे, इसीलिए तो वो आते हैं। इन दिनों मुझे इतना आराम नहीं है,
पर उस समय घर के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी और सुबह हर दिन लगभग 5:45 बजे जब सूरज उगता है मैं रोज आकर बाहर कॉरिडोर में बैठता था। और मंदिर अभी तक बना नहीं है, मैं मंदिर को बस अपने मन में बना रहा हूं। हर रोज वहां बैठकर उस तरफ देखता हूं जहां मंदिर आना चाहिए। मैं बस, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, सामान नहीं है, मैं बस उसे अपने मन में देख रहा हूं। उस समय पर इन जीवों ने वहां काफी समय के लिए डेरा डाला था। वो सब आड़े टेढ़े आकारों के थे, पर सभी दो आयामी, जैसे कि गत्ते जैसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं यहां वहां शोर शराबा करते हुए, बस वहां घूम रहे हैं हर समय। कभी कभार मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर पाता था क्योंकि वो इतना शोर मचाते थे। और कभी ऐसा होता था कि घर के दूसरे लोगों ने कुछ आवाजें सुनी, कुछ आवाजें और शोर सुना कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, और वो बाहर आकर देखते थे कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। वो समझ नहीं पाते थे पर कुछ सुनाई देता था। मैंने कभी कुछ नहीं बोला पर वो तरह तरह की आवाजें निकालते थे। हमें समझना होगा कि आवाज, मतलब जिस तरह की आवाज हम निकालते हैं वो सिर्फ हम निकाल सकते हैं। जब मैं कहता हूं वैसी आवाज, पक्षी एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं, पर हम दोनों फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में एक सी आवाज निकाल रहे हैं, लगभग एक सी, इसलिए हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। यहां कुछ और तरह के जीव हैं जो एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं जिन्हें आप नहीं सुन सकते। तो आमतौर पर ऐसे जीव अलग तरह की आवाज निकालते हैं जिसे आप नहीं सुन सकते, पर ये ऐसी आवाज निकालते थे, हमारे तरह की आवाज, यानी कि लगभग उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जिसमें हम बात कर सकते हैं। या तो वो विशेष रूप से मेरे लिए ये आवाज निकाल रहे थे, या फिर वो भी ध्वनि उच्चारण की उसी श्रेणी के हैं जिसके हम हैं। मैं इन सब चीजों में नहीं गया क्योंकि मेरा समय निकला जा रहा था, मेरी रेत फिसल रही थी, इसलिए मैं ईंट जमा रहा था। मैं वहां बैठकर ईंट जमा रहा था क्योंकि मेरा आधार तेजी से खिसकता जा रहा था। तो अगर उनके ध्वनि उच्चारण की फ्रीक्वेंसी हमारे जैसी है तो यह भी संभव है कि उनके विचार भी लगभग हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के हों, उनका शरीर भी लगभग इसी पदार्थ का हो, शायद बिल्कुल एक जैसा नहीं पर मिलता जुलता हो, नहीं तो आपकी आंखें उन्हें इतनी आसानी से नहीं देख सकती। वैसे अगर आप एक खास स्थिति में हैं तो इन दूसरी चीजों को भी देख सकते हैं, पर इतनी आसानी से नहीं जैसे कि आप हर दिन किसी और चीज को देखते हैं। तो क्या ये यक्ष या गंधर्व या गण हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उनमें से किसी भी विवरण में फिट नहीं बैठते जो हमारी परंपरा में बताए गए हैं। गंधर्वों को सबसे सुंदर इंसानी रूपों की तरह बताया गया है, यक्ष थोड़े अलग तरह के हैं पर लगभग इंसानों जैसे ही हैं, गण पूरी तरह विकृत, विकृत मतलब इंसानों जैसा रूप नहीं है। तो ज्यादातर मंदिरों में जो आप देखते हैं वो गण हैं। उन्होंने वहां गण इसलिए बनाए हैं क्योंकि मानव चेतना को आकार देने में गणों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि शिव खुद एक गण है। और क्योंकि वो एक गण है तो उनके आसपास भी गण मौजूद रहे, ये शिव के लोग हैं। पर शिव ने एक रूप धारण किया, उन्होंने एक रूप, एक मनुष्य का रूप धारण किया ताकि वो मनुष्यों के साथ प्रभावशाली हो सके, पर उनके दोस्त अपने पुराने ही रूपों में रहे।
शिव का रूप काफी शक्तिशाली था, प्रभावशाली था। बिना सबको बदले ही उन्होंने अपना काम मैनेज कर लिया। तो गणों के रूप हर जगह मौजूद हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमने उन्हें थोड़ा अपने जैसा बनाने की कोशिश की, थोड़ा ही विकृत, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं सोच सकते जो बिल्कुल हमारे जैसी ना हो। देखिए, अभी भैरवी मंदिर के सामने दो गण इस तरह बैठे हैं। शायद वो उस तरह ना दिखते हों, पर एक इंसान का मन ऐसा होता है कि एक प्राणी मतलब कम से कम उसका सिर तो होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस उतना ही और वो एक बॉल जैसा दिखता हो। इसलिए दो हाथ भी होने चाहिए उसको एक प्राणी की तरह दिखने के लिए। हमारी मानसिकता में अगर किसी को एक प्राणी की तरह दिखना है तो उसके हाथ पैर और सब कुछ होना चाहिए, है ना। शायद उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। शायद जो मैंने देखा वो असली गण थे, क्यों उनका ऐसा कोई रूप नहीं था जैसा हम सोचते हैं। पर जैसे जैसे समय बीता, कलाकारों ने, एक कलाकार कैसे ऐसा बनाकर बोल सकता है कि ये एक प्राणी है। अगर मैं आपको एक आड़े टेढ़े आकार का कागज दिखाकर बोलूं ये एक प्राणी है तो आप उसे नहीं मानेंगे, है ना। कम से कम उसे थोड़ा तो इंसान जैसा काटना होगा ये बोलने के लिए कि ये एक प्राणी है। कुछ तो ऐसा, आप साफ साफ ऐसे बने हुए हैं, हम उसको थोड़ा ऐसा बना दें और बोलें ये एक प्राणी है तो आप बोलेंगे चलो ठीक है, कम से कम एक सिर, शरीर, कुछ हाथ पैर, कुछ तो चाहिए, है ना, ताकि इंसान का मन उसे समझ सके। तो जैसे जैसे समय बीता शायद ऐसा हुआ होगा, कलाकार उन रूपों को बदलते चले गए होंगे। इस हद तक कि हमने गणपति को गजपति बना दिया, हमने गण को एक हाथी बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है, है ना। कोई छोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव। गणपति मतलब गणों के मुखिया, इसका यही मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाकर किसी का भी सिर उड़ा दिया और लगा दिया। उन्होंने गण से कहा, सुनो, मैं तुम्हारा सिर लेकर इस इंसान के शरीर में लगा देता हूं, कम से कम तुम आधे प्रभावशाली तो रहोगे। मैंने खुद को पूरी तरह मनुष्य का रूप दे दिया है। अगर मैं तुम्हें इंसान का शरीर दूं, सिर्फ सिर हम नहीं बना पा रहे हैं, तब भी तुम काफी प्रभावशाली रहोगे। और वो प्रभावशाली हैं, है ना। हमने उन्हें स्वीकार किया क्योंकि उनका एक मनुष्य का शरीर है और गण का सिर। अगर वो पूरे गण होते तो हम उन्हें बाहर बिठाते, उनकी पूजा ना करते। हमने गणों को मंदिर के बाहर रखा पर गणपति को अंदर ले आए, क्योंकि वो हमारी तरह दिखते हैं। तो शिव ने ये सारी चीजें सोचकर ही ऐसा किया होगा। शायद उन्हें कम से कम एक सहायक की जरूरत होगी जो थोड़ा तो मनुष्य जैसे दिखता हो। हो नहीं सकता क्या? शायद वो बस वैसे आए जैसा हमने उन्हें मानसरोवर में देखा, बस यूं ही झुंडों में, बस ऐसे ही एक खास तरह से। वो जानते थे कि इस रूप में वो काम नहीं कर सकते, तो शायद उन्होंने यहां की मिट्टी से खुद को बनाना चाहा, पर खुद को ठीक ठाक आकार ना दे सके, कुछ ऐसे हो गए, कुछ वैसे। मनुष्य में भी तो सभी एक जैसे आकार के नहीं आए, है ना। तो उस तरह से वो कई आकारों में बन गए, और उन्होंने सोचा चलो ठीक है, जब तक कि एक आदमी स्वीकार करने लायक दिख रहा है तो चलेगा। शायद कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए शिव को एक और आदमी चाहिए था, तो उन्होंने उस गण का सिर लेकर इंसान के शरीर में लगा दिया। शायद तब किसी उद्देश्य के लिए ऐसा किया होगा।